हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेगा टेक वर्स। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए नया ऑपरेटिंग सिस्टम लेके आया हूँ लिनक्स का, पैरट ओएस। हाँ, वही पैरट जो तोते वाला होता है, ठीक है। वो ऑपरेटिंग सिस्टम हम इंस्टॉल करेंगे आज, ठीक है, ओरेकल वर्चुअल बॉक्स में, जैसा कि मैं हर बार आपको बताता हूँ। बाकी सारी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको। आप कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करना चाह रहे हैं या यूज़ करने के लिए सोच रहे हैं, तो सबसे पहले उसे क्या करना है, आपको वर्चुअल बॉक्स में इंस्टॉल करके देख लेना चाहिए कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, वो कितने आपके रैम लेगा, कितने रैम पे काम कर सकता है, बेटर परफॉर्मेंस दे सकता है। तो ये सारी चीज़ आप पहले ही चेक कर सकते हैं वर्चुअल बॉक्स में इंस्टॉल करके, और उसकी कैपेबिलिटी भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, 4 GB रैम ले लेता हूँ मैं यहाँ पर। आप देख रहे होंगे डिस्प्ले पर कैसे कैसे इंस्टॉल करना है, वन बाय वन मैं आपको बताता हुआ चलूँगा। यहाँ पे क्रिएट करना है, और यहाँ पे कम से कम 40 GB जो है आपको, 30 से 40 GB के बीच में जो है आपको ले लेना है हार्ड ड्राइव, ठीक है। इतना नॉर्मल होता ही है आपका, कि यहाँ से क्रिएट कर लेते हैं। सबसे पहले चलते हैं सेटिंग में। अब सेटिंग में जाने के बाद सबसे पहले चलना है आपको एडवांस में। एडवांस में जो डिसेबल दिख रहा है उसको बाई डायरेक्शनल कर लेना है, ठीक है, दोनों चीज़ें चेंज कर लेनी है आपको। उसके बाद क्या करना है, आपको सिस्टम में जाना है। सिस्टम में जाने के बाद आपको प्रोसेसर पे जो है, जहाँ तक ग्रीन है हमेशा वहीं तक करना, उससे ऊपर मत जाना, ठीक है। उससे नीचे जा सकते हो, ऊपर नहीं जा सकते। बाकी डिस्प्ले में आपको क्या करना है, 128 MB जो है वीडियो मेमोरी को सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ से जो भी ISO फाइल की डाउनलोड लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। बाकी आप वेबसाइट पर जाके भी ऑफिशियल जाके डाउनलोड कर सकते हैं, वो ऑफिशियल साइट जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लेना। अब यहाँ से USB 3.0 सेलेक्ट कर लेते हैं, ओके कर लेते हैं। अगर आपके में वर्चुअल बॉक्स में कोई दिक्कत आ रही है इंस्टॉलेशन में, तो मेरे को कमेंट कर देना, मैंने वीडियो डाल रखी है, वहाँ से जाके चेकआउट कर लेना। अब यहाँ से देखिए ट्राई एंड इंस्टॉल आ रहा है, वहाँ पे एंटर मार देना है आपको, ये डायरेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन हो जाएगा, जैसा कि डायरेक्ट रन हो गया है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। अब यहाँ से इंस्टॉलेशन आप चेक करने से पहले आप चेकआउट कर सकते हैं क्या क्या फीचर्स हैं इसमें, सब कुछ शो कर रहा होगा आपको, ऑल ओवर फीचर्स दिखा रहे होंगे बिना इंस्टॉलेशन के भी। अब आप इंस्टॉल करके भी चेक कर सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे देखिए बहुत सारे सेटिंग्स वगैरह है, सब कुछ है, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या करना होता है, डिस्प्ले ढूंढना होता है, डिस्प्ले सेटिंग जो है वहाँ से ढूंढ के आपको रिजोल्यूशन जो बेटर है आपके वर्चुअल बॉक्स के लिए, आपके सिस्टम के लिए जो बेस्ट है, वो आपको सेलेक्ट कर लेना होता है, ठीक है। अब यहाँ से इंस्टॉलेशन पर क्लिक करेंगे, इंस्टॉल पैरट पर। अब ये देखिए ये आ गया हमारे इंटरफेस इंस्टॉलेशन का। अब यहाँ से इंग्लिश चूज़ करना है, इंग्लिश चूज़ कीजिए, बाकी जो आपको सूट करता है वो लैंग्वेज चूज़ कर लीजिए। अब यहाँ से कंट्री चूज़ करनी है, कंट्री में कौन सी कंट्री, जिस भी कंट्री में आप रहते हैं वो चूज़ कर लेना। मेरा इंडिया है तो मैं इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूँ। इंडिया सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से, और यहाँ से भी मैनुअली भी सेलेक्ट कर सकते हैं आप, अगर आपको मैप में कोई इशू आ रहा है तो, ठीक है। अब यहाँ से आपको लैंग्वेज वगैरह सब चेंज कर सकते हैं, यहाँ से सब कुछ लोकल वगैरह डेट वगैरह सब चेंज कर सकते हैं, वैसे वो ऑटोमेटिक ले लेगा, कोई इशू नहीं आएगा। अब यहाँ से क्या करना है, मोस्टली इंडिया में जो कीबोर्ड चलते हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज के चलते हैं, US नॉर्मली वाले यूज़ होते हैं। बाकी आप अपना देख लेना, अगर आप हिंदी यूज़ कर रहे हो या जो सभी यूज़ कर रहे हो, ठीक है, वो यूज़ कर लेना। ये देखिए ये डिफ़ॉल्ट यही यूज़ होता है इंग्लिश इंडिया में मोस्टली। अब यहाँ से क्या करना है, अगर आप वर्चुअल बॉक्स में कर रहे हो तो इरेज डिस्क वाला सेलेक्शन करना, ठीक है। अगर मैनुअल पार्टीशन करनी है तो नीचे वाला कर लेना, ठीक है। हमें क्या करना है, इरेज करना है। यहाँ से जो भी आपका नाम वगैरह है, जो भी है यूज़र नेम आप फिल करना चाहते हो वो फिल कर लेना, पासवर्ड डालना है, पासवर्ड भी डाल सकते हो आप यहाँ पर। पासवर्ड डालने के बाद हमें क्या करना है, नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब नेक्स्ट इंटरफेस पर जाना है। अब यहाँ से सब कुछ चेकआउट कर सकते हो, अगर कोई प्रॉब्लम दिख रही है आपको तो बैक जाके आप वो चेंज कर सकते हो वहाँ से। अब यहाँ से इंस्टॉलेशन पे क्लिक करते हैं, इंस्टॉल नाउ पे एंटर मारते हैं। अब ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गई है, जब तक ये इंस्टॉलेशन हो रही है आप जाके नीचे जो है सब्सक्राइब का बटन दबा देना, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ से रीस्टार्ट का बटन आ रहा है, रीस्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपको क्या करना है, सॉरी रीस्टार्ट कर लेते हैं। ये देखिए ये रीस्टार्ट तो हो गया, लेकिन ये वही इंटरफेस आ गया वहीं से सीधा सीधा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कट करना पड़ेगा यहाँ से जो हमारा ISO फाइल है उसे रिमूव करनी पड़ेगी। रिमूव कर दिया हमने, अब यहाँ से हम कुछ नहीं कर सकते, तो इसे डायरेक्ट कट करके जो है ओपन दोबारा स्टार्ट कर लेंगे। ये देखिए ये हमारा स्टार्ट हो गया। यहाँ पासवर्ड मांग रहा है, पासवर्ड देना है, पासवर्ड देने के बाद एंटर मारना है। अब ये देखिए हमारा ओपन हो चुका है, उसमें कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। ये देखिए डिस्प्ले पहले जो अपना सेट कर लेते हैं, मैंने पहले ही बता रखा है आपको कैसे कैसे सेट करना है, ठीक है। ये हमारा हार्ड ड्राइव है,
जो भी है हमारा इंटरफेस है, बैकग्राउंड वगैरह जो भी थीम वगैरह है आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। इसमें थोड़ा इंटरफेस अच्छा दे रखा है मेरे को, थोड़ा देखने में अच्छा लगा। बाकी इसमें वही है लिनक्स के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम सब कुछ सिस्टम दे रखा है इसके अंदर, और इसमें थोड़ा सा स्मूथ दे रखा है, कोई नॉर्मल दिक्कत आ नहीं रही है इसमें, हैंग वगैरह की दिक्कत नहीं आ रही है कुछ भी, ठीक है, नॉर्मली अप्लाई हो रहा है सारा सिस्टम। ये देखिए हमारा ये सब कुछ फ्रंट पे ही दे रखा है इन्होंने, उसकी तरह विंडो की तरह सिस्टम दे रखा है इन्होंने, जैसे विंडो में देते हैं वैसे ही दे रखा है। ये हमारा टर्मिनल ओपन हो गया था, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे शो कर रहा है सब कुछ। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है आपको तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है, और लाइक कर देना अगर कुछ सीखने को मिला है दोस्तों। बाकी सब्सक्राइब तो आप कर ही दोगे, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। नेक्स्ट वीडियोज़ में बहुत बढ़िया बढ़िया वीडियोज़ लाता हूँ मैं, आपने देखा ही होगा लिनक्स पे भी और बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम पे। बाकी कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट ज़रूर कर दिया करो, मैं वहाँ पे आपको आंसर दे दूँगा, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, जब तक आप जाके नीचे सब्सक्राइब का बटन दबा दो। थैंक यू वेरी मच। We'll be right back.